मैं शेयर करने वाला हूँ फुटको में आई हुई फाइनेंस अकाउंट्स रिलेटेड वैकेंसी के बारे में तो ये फिक्स्ड टेन्यूअर बेसिस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है बट अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें कंपनी काफ़ी अच्छा नवरत्ना कैटेगरी स्टेटस अभी इसको मिला है इन टू में ही फुडको में फोर ईयर्स के लिए एक्सटेंडेबल है जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है अप टू एनुअल इंक्रीमेंट भी इसमें है तो आइए डिटेल सारा देख लेते हैं क्या क्या फाइनेंस से रिलेटेड वैकेंसी यहाँ पर बताया गया सबसे पहले सीरियल नंबर फोर में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस बैलेंस शीट प्रिपरेशन के लिए न्यू डेली ई वन लेवल पे आपका यहाँ पे जॉइनिंग ज्वाइनिंग वाला यानी बेनिफिट्स जो आपको मिलेगा जो वहाँ लेवल वन कैटेगरी के हैं एग्जीक्यूटिव उनके अकॉर्डिंग मिलेगा क्वालिफिकेशन सी और सी या फिर एम बी ए विथ मार्क्स अगर आपके पास है तो तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप लाइक कर सकते हैं एज फिक्सड यहाँ कर दिया गया है मैक्सिमम थर्टी फाइव एक्सपीरियंस आपका फाइव ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम रिजर्व के लिए पोस्ट है यहाँ पे एक असिस्टेंट फाइनलाइजेशन ये सारा आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस टैक्सेशन के लिए है क्वालिफिकेशन सेम सी ए सी एम ए या एम बी ए विथ फिर सिक्सटी परसेंट मार्क्स थर्टी फाइव एज बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया गया है स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा टैक्सेशन एग्जीक्यूटिव के लिए नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में ही रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे भी नंबर एक वैकेंसी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया फाइव ईयर्स का और इसका प्रोफाइल क्या होने वाला है ये भी मेंशन कर दिया गया है सारी पोस्ट ये भी न्यू दिल्ली के लिए ही रखा गया है उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएट मबर ऑफ आई अगर एल है तो प्रिफर्ड होगा थर्टी फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस ये क्वालिफिकेशन सारा सेम मेंशन एज अबव है आपका यहाँ रखा गया है और फाइनेंस के लिए यहाँ सीरियल नंबर नाइन भी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रीजनल ऑफिस के लिए यहाँ पे रखा गया जो बेंगलुरु बेंगलुरु जम्मू कोलकाता मुंबई क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम है नंबर ऑफ वैकेंसियाँ पे टोटल आपका ओ के लिए दो एक अनरिजर्व एक एस और यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल है वो मेंशन किया गया है अब उसके बाद यहाँ पे जो टर्म्स कंडीशन है वो क्या है नीचे सारा कुछ मेंशन किया गया है, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा रेवुनरेशन की बात करें तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव लेवल वन पे जो है सिक्सटी का आपका यहाँ पे पेमेंट मंथली मिलने वाला है जिसका शॉर्ट फॉर्म एम सी पी है यानी मंथली कंसोलिडेटेड पे अब मंथली कंसोलिडेटेड पे का बाइफरकेशन क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या डिडक्शन हो गए क्या आपको पैसे मिलेंगे वो सारी चीज़ें एनुअल इंक्रीमेंट आपका ज्वाइनिंग डेट पे होने वाला है सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यू बेनिफिट्स और क्या क्या मिलने वाले वो सारी चीज़ें पॉइंट नंबर सिक्स में मैंशन किया गया है लीव सी एल ट्वेल्व आर एच यानी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे सी की लीव टेन टी आपका ई वन कैटेगरी पे जो ऑफिसर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपको कहीं पे भेजा जाता है या कुछ टूर प्रोग्राम बनता है तो मिलेगा फाइव थाउजेंड क्या यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस आपको मिलेगा ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस यानी आपको सिर्फ़ एक लेटर लिख के देना और फाइव थाउजेंड मिल जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस रिमबर्समेंट मिलेगा आपको एनुअल पर्स लिंक जो भी ये सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है मील्स कूपन टू थाउजेंड पर मंथ इन एडिशन टू द सैलरी मिलेगा मोबाइल बेनिफिट फैसिलिटी क्या है वो सारा यहाँ पे कॉल चार्जेस मिल जाएगा अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द सेलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट मार्क्स ऑप्टेन इन पर्सनल इंटरव्यू तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है जिसके थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज़ ऊपर बताया गया वो सारे मीट करना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप विल नॉट बी काउंट एज ए वर्क एक्सपीरियंस तो इसका आपको ध्यान रखना है ये चीज़ नहीं होना चाहिए एज क्राइटेरिया आपका जो कैंडिडेट एस सी एस टी ओ बी सी से हैं उनके लिए क्या लिंक है वो बोला गया है कट ऑफ डेट आपका जो है यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए फोर्थ में 2024 रखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट मीटिंग द क्राइटेरिया विल शॉट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू यानी जितने लोग अप्लाई करेंगे उनका सलेक्शन होगा उस शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उसमें आपका यहाँ पे रखा गया कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई द पर्सनल इंटरव्यू विथ फिफ्टी परसेंट मार्क्स यानी मिनिमम फिफ्टी आपको क्वालिफ़ाई करना है इंटरव्यू में बाकी टर्म्स कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया गया है कैसे आपको कहाँ पे जाना है सारी चीज़ें आपको मेंशन किया हुआ है प्रोसेस क्या अप्लाई करने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेप टू ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखना है आपको कहाँ के लिए कौन सा कोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सारा ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया गया है और लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ों का और आपको यहाँ पे जो पेमेंट करना फाइव हंड्रेड का वो अकाउंट का बेनिफिशियरी भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स अगर वैकेंसी आपके लिए यूजफुल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो नाइन्टीन मे से पहले पहले आप इसके जरूर अप्लाई कर दीजिए अदरवाइज ये फॉर्म जो है क्लोज